लखनऊ से खबर है जहां पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। घोसी उपचुनाव पर डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा के कुछ लोग पैसा लेकर घूम रहे हैं, ये बृजेश पाठक की तरफ से कहा गया। अराजक तत्वों को घोसी मऊ में घुसने से रोका जाए, सुधाकर सिंह के बेटे ने पुलिस को धमकाया। सपा बौखला गई है, वो अराजकता पर उतारू है, पुलिस प्रशासन को धमकी दी जा रही है, ये बृजेश पाठक की तरफ से कहा जा रहा है। सपा ने हर बूथ पर गुंडों को लगाया है, सपा का लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है, ये बृजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। तो समाजवादी पार्टी पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जो हैं वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो सपा के कुछ लोग पैसा लेकर घूम रहे हैं, ये बृजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। अराजक तत्वों को घोसी मऊ में घुसने ना दिया जाए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अराजकता पर, गुंडई पर उतर आई है। अपनी हार से बौखला करके समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के वायलेंस को कर सकती है चुनाव में। हम आज निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संज्ञान ले, जो कुकृत्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पुत्र द्वारा किया गया है। पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी गई है, जूते से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे, जानते नहीं हो कि हम सुधाकर सिंह के बेटे हैं, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार की गुंडई अराजकता जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में प्रारंभ से ही हम ये बात कहते आ रहे हैं, आज ये बात प्रमाणित हो गई है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में अपनी हार को सुनिश्चित मान करके किसी भी क्षण भयंकर वायलेंस करा सकती है, गुंडई करा सकती है। बूथ लूटने की पूरी तैयारी इनकी है, बूथ बूथ पर गुंडे पूरे प्रदेश से बुलाकर समाजवादी पार्टी ने लगाने का काम किया है। हम निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर के जितने भी इस प्रकार के गुंडे हैं, माफिया हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको घोसी में मऊ में घुसने पर, रहने पर पाबंदी लगाई जाए और इस पूरे प्रकरण पर संबंधित आरक्षी द्वारा कोपागंज थाने में FIR दर्ज करा दी गई है। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रमणि त्रिपाठी। बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी जो है वो अराजक तत्वों को घोसी में मऊ में घुसा रही है, बूथ लूटने की तैयारी है, इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। क्या स्थिति जमीनी स्तर पर नजर आ रही है? जी, अगर बात की जाए घोसी उपचुनाव को लेकर, तो घोसी उपचुनाव का आज प्रचार थम जाना है और जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देखा जा रहा है कि दोनों ओर से तकरार बढ़ रही है। और कल देखा गया था शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया था कि पुलिस प्रत्याशी जो तमाम वोटर हैं उनको धमकी दे रही है, वहीं आज अगर बात करें तो डिप्टी सीएम खुद सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह हैं उनके बेटे ने वहां पर जो वोटर हैं उनको धमकी दी है, साथ में जो आरक्षी है, जो सिपाही है उसको भी धमकी दी है। तो एक बड़ा मामला है और जिस तरह से डिप्टी सीएम ने कहा है कि वो निर्वाचन आयोग में जाकर इसकी शिकायत करेंगे, तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से निर्वाचन आयोग में शिकायतें पेश की जा रही है और अब ये देखने वाला होगा निर्वाचन आयोग किस तरह से इस पर एक्शन लेता है। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से जो सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह हैं उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसके अलावा डिप्टी सीएम की तरफ से यह भी कहा गया है कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही इसलिए वहां पर हिंसा करा सकती है, इसके अलावा बूथ लूटे जा सकते हैं, तो तमाम आरोप लगाए हैं। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है और जिस तरह से घोसी का उपचुनाव है दोनों तरफ से साख का सवाल बना दिया गया है, इसे दोनों तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा, पसीना बहाया जा रहा और एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में NDA बनाम NDIA का भी चुनाव देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर से ये एक गंभीर चुनाव है और दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जी,
चंद्रमणि, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, और जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर गुंडागर्दी की स्थितियां जो है वो बन रही है, अराजक तत्वों को यहाँ पर जगह दी जा रही है, अराजक तत्व किस तरह से बौखला गए हैं, सपा बौखला गई है, ये लगातार आरोप लग रहा है, क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए? ये देखिए, अगर बात करें प्रशासन की, चुनाव आयोग की, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं। और जिस तरह से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और तमाम मुद्दों को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त रहती हैं, और पिछले कई चुनाव हुए हैं उनमें, हालांकि एक बात दोनों तरफ से लगाई जाती रही है कि एक तरफ से लगाई जाती है पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, तो दूसरी तरफ से लगाई जाती है कि प्रत्याशी की तरफ से धमकाया जा रहा है, लेकिन बीते चुनाव देखे गए हैं उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक ढंग से हुए हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं सामने आई। तो हम लोग फिर से एक बार उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक होगा, और जिस तरह से दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर भी निर्वाचन आयोग संज्ञान लेगा, और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।